कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का सफर अब तक काफी ज्यादा अच्छा रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक भारत को कुल 55 मेडल दिला दिए हैं, जिसमें 18 गोल्ड, 15 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। और आज इस कॉमनवेल्थ गेम्स के सीजन का आखिरी दिन है और आज जो भारत के मुकाबले होने हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के पास में 5 गोल्ड मेडल और जीतने की पूरी पूरी उम्मीद है। इन मुकाबलों की शुरुआत होगी दोपहर में 1:20 में पीवी सिंधु के मैच के साथ में। पीवी सिंधु को कनाडा के खिलाड़ी मिचेल ली के साथ में विमेन सिंगल्स मैच खेलना है। बैडमिंटन की इस कैटेगरी में यह फाइनल मुकाबला होगा और अगर पीवी सिंधु इस मैच में जीत दर्ज करती हैं तो भारत के खाते में एक और गोल्ड मेडल आ जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला होना है बैडमिंटन में मैन सिंगल्स का, जिसमें भारत की तरफ से लक्ष्य सेन खेलते हुए दिखाई देंगे। इस मैच का अनुमानित समय दोपहर के 2:10 है। इस मैच में लक्ष्य सेन मलेशिया के खिलाड़ी जी यंग के सामने रहेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लक्ष्य सेन का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनसे भी इस मैच में जीत दर्ज कर भारत को एक और गोल्ड मेडल दिलाने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद बैडमिंटन में भारत को एक और मेडल की उम्मीद रहेगी। मेंस डबल्स के फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक सिराज की जोड़ी बैन लेन और सीन वेंडी के खिलाफ खेलती हुई दिखाई देगी। इस भारतीय जोड़ी की अच्छी फॉर्म को देखते हुए भारत के पास में बैडमिंटन में एक और गोल्ड मेडल जीतने की पूरी संभावना है। इसके बाद में भारत टेबल टेनिस में भी एक गोल्ड और हासिल कर सकता है। शाम 4:25 पर अचंता शरत कमल के सामने लियाम पिचफोर्ड रहेंगे। टेबल टेनिस में मैन सिंगल्स कैटेगरी का यह फाइनल मुकाबला है और अगर इस मैच में शरत कमल को जीत मिलती है तो भारत का चौथा गोल्ड आज की तारीख में पक्का हो जाएगा। शाम को 5:00 भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने हॉकी के मैदान पर भिड़ेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का मेंस हॉकी का यह फाइनल मुकाबला है और भारतीय फैंस को इस मैच से भी एक गोल्ड मेडल की उम्मीद है। अब आप भी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये जो मुकाबले हमने आपको अभी इस वीडियो में बताए हैं, आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन से मुकाबले में भारतीय टीम गोल्ड मेडल हासिल कर सकती है। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। बाकी क्रिकेट की खबरों में और स्पोर्ट्स की बाकी खबरों में आपका इंटरेस्ट हो तो आप खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।